क्या हुआ? पता नहीं साहब, खुद ब खुद स्पीड तेज हो रही है। यू ओके? क्या हुआ है? पता नहीं साहब, मैं देखता हूँ। कितनी वीरान जगह है। परी रिलैक्स, मैं हूं ना। हेलो। जी अम्मी। अम्मी आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो जी अम्मी। जी अम्मी, बस अम्मी गाड़ी ख़राब हो गई है। जी बस आते हैं अम्मी। यार इसमें कितना टाइम लगेगा? और बस हो गई साहब। परी परी परी, यार तुमने परी को देखा है? मालूम नहीं साहब, ये तो वैसे ही वीरान जगह है। यार कहाँ गई परी? परी तुम यहां क्या कर रही हो? वो मुझे लगा वहां वो परी। चलो यहां से आओ। माशाल्लाह कितना रूप आया है। अम्मी मैं दोस्तों को छोड़कर आ रहा हूँ। ठीक है, चलो बेटा तू चल कर आराम करो। ठीक है, ये नाता बेचते हैं तुम्हारे पास।
हरी। हरी मैं आ गया। वो बहुत थक गई। मुझे पता है मेरी जान, मगर आज की रात को जैन प्लीज। परी आज नहीं। परी जैन मैंने कहा ना आज नहीं। मॉर्निंग। यू ओके? ज़ैन I'm really very sorry. वो It's okay. पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैं ये सब सिर्फ थकावट की वजह से और कुछ नहीं। ज़ैन तुम नाराज तो नहीं हो ना? पता नहीं क्या मुसीबत है। कौन था दरवाजे पे? शायद ज़ारा होगी। क्या मसला है? अरे अम्मी आप
क्या हुआ बेटे, इतने गुस्से में क्यों? मम्मी कुछ नहीं, आप अंदर आए। नहीं बस मैं तुम्हें नाश्ते का कहने आई थी, आ जाओ सब वेट कर रहे हैं। मैं आता हूँ, आप चले। अम्मी थी नाश्ते पर बुला रही थी। तो हम कहाँ थे? परी को दो। नहीं आंटी, बस। बस क्यों, अच्छे से खाओ। और ये आंटी क्या होता है, जैन की अम्मी हो, तुम भी अम्मी कहा करो। जी आंट, मेरा मतलब है जी अम्मी। भाई बहू को आए हुए अभी एक ही रोज हुआ है और आपने अभी से डांटना शुरू कर दिया। इसे डांटना नहीं कहते, मोहब्बत से समझाना कहते हैं, लेकिन आप कहाँ समझेंगे। प्लीज अम्मी, अब वो मजाक कर रहे हैं। आप तो अपने बाप का ही साइड लोगे। तुम परेशान मत हो परी, यहाँ ये नोक झोंक रोज का मामूल है। सुबह ही सुबह उठकर आ गई। हाँ, किसी के घर आने के कुछ आदाब होते हैं। और आदाब का तकाजा यही है कि जहाँ दस्तखान देखें पहुँच जाएं। हाँ हाँ, लो लो, अपना ही घर समझो। वैसे खाला, जो आपके हाथ में मजा है ना। क्या हुआ इसे, क्या हुआ? लगता है चूल्हे पर कुछ भूल गई थी। तुम खाओ ना खाना। ज़ैन, तुम कहाँ थे? है ये बेताबियाँ, यही हूँ तुम्हारे पास। ज़ैन, छोड़ मुझे। आज नहीं जाने मन। मैंने कहा ना, छोड़ो मुझे, क्या हो गया तुम्हें? तुम इतना स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रही हो? Because I'm feeling strange. ज़ैन, I'm really very sorry. मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे करीब रहो, लेकिन मुझे नहीं पता ज़ैन, जब जब तुम मेरे करीब आते हो मुझे इतना बुरा क्यों लगता है? तुम्हें मेरे पास आना बुरा लगता है अब?
लेकिन पता नहीं क्यों के साथ ये सब कुछ हो रहा है। सॉरी, दिस इज नॉट नॉर्मल परी, हमें किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर? हो सकता है तुम्हें कोई स्ट्रेस हो, कोई इशू हो तुम्हारे साथ। वी हैव टू फिगर इट आउट। ज़ेन, डू डू व्हाटएवर यू वांट टू, प्लीज कुछ करो। आई डोंट वांट टू रुइन आवर मैरिड लाइफ। आई डोंट वांट। परी परी, मैं हूं ना, तुम फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मुझ पे भरोसा रखो, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें इस दिन क्या हो गया था, ऐसे अचानक उठकर चली गई थी? खाला, मैंने उस दिन कुछ महसूस किया था और आज वही बताने आई हूँ। क्या क्या महसूस किया था? खाला, परी के साथ मैंने... तुम लोग कहाँ चले गए थे सुबह सुबह? अम्मी, परी की तबीयत ठीक नहीं थी तो उन्हें डॉक्टर के लेके गया था। परी की तबीयत खराब थी और तुमने बताया नहीं मुझे? अम्मी, परेशानी की कोई बात नहीं है, आप फिक्र ना करें। परेशानी की बात नहीं तो खुशी की बात है क्या? नहीं अम्मी, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, डॉक्टर ने सिर्फ परी को रेस्ट का कहा है। चलो बेटा, चल कर तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए यखनी बना कर लाती हूँ। ज़ेन,
तुम अभी तक यहीं खड़ी हुई हो? वो घर में और भी काम है। बीवी दरवाजा नहीं खोल रही। लाओ ये मुझे दो, तुम जाओ मैं देखती हूँ। परी, परी बेटा, क्या कहना चाह रही हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझने की कोशिश करो जैन, परी के साथ आसेब हैं। कम ऑन ज़ारा, तुम इतनी एजुकेटेड होकर इस तरीके की बातें कैसे कर सकती हो? मैं कोई हवा में तीर नहीं चला रही, पैरासाइकोलॉजी पढ़ी है मैंने, ये सब चीजें महसूस कर सकती हूँ। इससे पहले कि बहुत देर, क्या तुम्हें अभी मेरी बात पे यकीन नहीं है? मुझे परी के पास जाना चाहिए। नहीं बेटा, तुम वहां नहीं जाओगे, वो तुम्हें नुकसान पहुंचा देगी। अम्मी मुझे कुछ नहीं होगा, परी को इस वक्त मेरी जरूरत है। परी इस वक्त तन्हा है, मैं उसे तन्हा नहीं छोड़ सकता। अम्मी तुम्हारी माँ ठीक कह रही है बेटा, इस वक्त तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। परी तन्हा नहीं है, वो है उसके साथ। कौन कौन है उसके साथ? वही आसेब। तुम पागल हो गई हो क्या? कोई आसेब आसेब नहीं है उसके साथ। सारा ठीक कह रही है जैन, जो कुछ मैंने देखा वो उसकी आंखें। तुम उसकी माँ को बुलाओ और उसको कहो कि आके अपनी बेटी ले जाए। अम्मी बीवी है वो मेरी। मुझे मालूम है, कल की आई लड़की के लिए मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। पता नहीं क्या आसेब साथ लेकर आई है। अम्मी एक बार मुझे परी से बात करने दे। लेकिन जैन, ज़ारा तुम अब मेरे मामलात में नहीं बोलोगी। वो ही सब कुछ जो इतने सालों से मेरे साथ होता आ रहा है। सोचा था जैन से शादी करने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं, कुछ भी ठीक नहीं हुआ है। मुझे लगता है मैंने ये बात जैन से छुपाकर जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। क्या बात? क्या बात छुपा रही हो तुमसे? जैन वो क्या बात छुपा रही हो तुम उससे? बोलो भाई। किसने किया ये सब कुछ? जैन वो ये सब कुछ बहुत सालों से मेरे साथ करता आ रहा है। कौन और क्या क्या कर रहा है वो? क्या कर रही है तुम जान गए हो? कौन है वो ये मैं भी नहीं जानती। दिखाई नहीं देता है वो, इतने
मैं कुछ नहीं कर सकती जैन, मेरे पास बहुत लिमिटेड नॉलेज है। तुम अब तक मुझसे नाराज़ हो क्या? मुझे पता है मैं उस दिन बहुत रूड हो गया था। मैं नाराज़ नहीं हूँ, मगर मैं सच कह रही हूँ, मैं बस ये चीज़ें महसूस कर सकती हूँ मगर किसी पॉजेस्ड इंसान को ठीक नहीं कर सकती। तो फिर अब क्या करें? मेरे एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर दानिश, उनके पास इल्म भी है और तजुर्बा भी, मैं उनसे बात करके देखती हूँ। प्लीज़ ज़ारा, तुम अभी उनसे बात करो, परी की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। वो बहुत मसरूफ़ होते हैं, मगर मैं कोशिश करती हूँ कि जितना जल्दी हो सके उनसे बात हो जाए। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ज़ारा ने आपको हमारे बारे में बताया होगा, मैं जैन हूँ और ये परी। ज़ारा ने मुझे जो कुछ परी के बारे में बताया था और जो कुछ मैं देख रहा हूँ वो सब बहुत मुख्तलिफ है। आपका मतलब है कि परी पोजेस नहीं है? है, बिल्कुल है। क्या? देखें, घबराने की ज़रूरत नहीं, पैसे जितने ही पावरफुल क्यों ना हो जाए, इलाज मुमकिन है। हम आपके पास इसलिए तो आए, आप करिए ना कोई इलाज। इसके लिए मुझे इन सब से बात करनी होगी और ये कोई आसान अमल नहीं है। पॉजिस इस वक्त पैसिव मूड में है, एक्टिव मूड में आते ही वो बहुत ख़तरनाक हो जाएंगे और उनको काबू करना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हमें जो कुछ भी करना होगा बहुत एहतियात से करना होगा। तो करिए ना। क्या करना होगा? परी को सेडेटिव देना बहुत ज़रूरी था, वरना वो इन सब से घबरा के तंग होके भाग सकती थी। मैंने परी के गिर्द एक ना नज़र आने वाला हिसार बांध रखा है, जैसे ही पावर एक्टिव होंगे वो इस हिसार को तोड़ने की भरपूर कोशिश करेंगे। मेरा मशवरा है कि जैन, आप इस अमल के दौरान यहाँ ना रुके, क्योंकि अगर आप परी की हालत देख के ज़रा से भी कमज़ोर पड़ गए तो उसका खमियाजा हम सबको भुगतना पड़ेगा। उसे इस वक्त मेरी ज़रूरत है। जैन, बात समझने की कोशिश करो, छोटी सी गलती भी बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। मैं परी को छोड़कर नहीं जाऊंगा। जिसम मेरा घर है, ये सिर्फ मेरा है। बहुत दूर।
मैं इसे बहुत दूर ले जाऊंगा। थैंक यू प्रोफेसर। परी उठो, परी, परी उठो। चलो परी। ज़ारा, ज़ारा